नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। दिल्ली एम्स में इलाज कराना आज भी कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप बिहार के रहने वाले अंकित कुमार की इस कहानी से लगा सकते हैं। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले अंकित कुमार के बेटे आयांश राज को साल 2019 में जन्म के बाद ही बुखार और सांस लेने में परेशानी होती थी। बच्चे की हालत धीरे धीरे गंभीर हो रही थी। ऐसे में उसके पिता बच्चे को पास ही के एक अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच की और कहा कि बच्चे को हार्ट की बीमारी है और इसका इलाज दिल्ली एम्स में ही हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अंकित अपने बेटे को लेकर दिल्ली के एम्स अस्पताल चला गया। एम्स में सभी जांचें हुई और फिर पता चला कि बच्चे के हार्ट की नसों में कुछ समस्या है, जिसके लिए उसकी बाईपास सर्जरी की जाएगी। अब एम्स में सर्जरी के लिए सभी टेस्ट हुए और सर्जरी की तारीख दी 6 सितंबर, यानी कि 6 सितंबर 2019 पहली तारीख। सर्जरी के लिए पैसे और 3 यूनिट ब्लड जमा कर लिया गया, लेकिन 2019 में डेट देने के बाद भी सर्जरी नहीं। कभी डॉक्टर्स ना होने का हवाला दिया गया तो कभी स्टाफ की कमी। इसके बाद बच्चे को दूसरी डेट दी गई और वो थी 5 अगस्त 2020। जी हाँ, तारीख 5 अगस्त साल 2020। सर्जरी के लिए ये डेट दी गई, लेकिन फिर भी उसका इलाज नहीं हुआ। बच्चे के पिता अंकित ने बातचीत में बताया कि जब भी वह सर्जरी की तारीख वाले दिन अस्पताल जाते थे तो डॉक्टर्स मिलते ही नहीं थे। 2022 के बाद सर्जरी की तारीख फिर से बदली गई, 5 जून 2023। इस बार की तारीख थी 5 जून 2023, लेकिन फिर भी इलाज नहीं मिला इस बच्चे को। इस बार कहा गया कि डॉक्टर्स छुट्टी पर चल रहे हैं। चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 6 साल में बच्चे को सर्जरी की 3 बार डेट मिल चुकी है, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है। बच्चे का इलाज अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर सचिन तलवार की निगरानी में चल रहा था, लेकिन डॉक्टर सचिन मरीज को देखते नहीं थे। 6 साल में केवल 3 बार ही उन्होंने बच्चे को देखा है। इलाज के अभाव में आयांश की तबीयत हर दिन बिगड़ रही है, लेकिन एम्स में पैसे और ब्लड जमा करने के बाद भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में हमने एम्स में संपर्क किया। एम्स ने कहा कि मामले की जानकारी ली जा रही है। ये कहानी अंकित कुमार की है, जिनके बेटे को पिछले 6 साल में एम्स में इलाज नहीं मिल रहा है। मीडिया सेल विभाग की इंचार्ज और एम्स की प्रवक्ता डॉक्टर रीमा दादा ने बताया कि इस मामले में उन्होंने डॉक्टर सचिन तलवार से संपर्क किया है, लेकिन उनका फोन बंद होने के कारण बातचीत नहीं हो पाई है। डॉक्टर से संपर्क होते ही सर्जरी में देरी के कारण की जानकारी ली जाएगी। चलिए आपको सुनाते हैं डॉक्टर रीमा दादा, प्रोफेसर इंचार्ज मीडिया सेल, उन्होंने क्या कहा। कल हमें ये बात पता चली कि एक बच्चा है आयांश कुमार, और अब 6 साल का हो गया है। जब वो तीन महीने का था, उसके फादर मिस्टर अंकित कुमार, जो एक मेडिकल स्टोर में काम करते हैं, वो इस बच्चे को लेके आए थे। उसको फीवर और ब्रेथलेसनेस था, और ये पता चला था कि उसको हार्ट में प्रॉब्लम है। और उसने फिर कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी में दिखाया था डॉक्टर सचिन तलवार को, और उसने ये भी बताया कि वो बार बार आ रहा था और उसको बार बार वापस भेजा जा रहा था, ये कह के या तो बेड अवेलेबल नहीं है या जूनियर डॉक्टर्स वैसे टर्न अवे कर देते थे। हमने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया है, जो हमने ये कंप्लेंट सुनी है, और इसके बारे में हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निरुपम एक कमेटी बनाई है, जिसमें हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो ये कहा जा रहा है क्या ये सही है, और फिर हम एकदम करेक्टिव मेजर्स लेंगे कि आगे से ऐसा कभी ना हो। मैं बहुत दुख है कि ऐसा बेचारे गरीब लोगों को दिक्कत हुई और इतनी असुविधा हुई। और कभी कभी ये होता है कि जो बहुत सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो सर्जरी में होते हैं, तो और सर्जरीज बहुत लंबी चलती हैं, जैसे कि न्यूरो की सर्जरीज हों, चाहे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हों बच्चों में जैसे करते हैं, तो कई बहुत लंबी होती हैं। तो कई बार जब मरीज़ लोग ओपीडी में आते हैं तो वो डॉक्टर नहीं मिल पाते इस कारणवश। बट ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये कह रहे हैं कि जो जूनियर डॉक्टर्स थे उनको टरका देते थे और उनको बस एक डेट दे देते थे। हम इस बारे में पूरी जाँच करेंगे, और अगर और ये अगर ऐसा हुआ है हम इसके बारे में बहुत सीरियसली लेंगे, और कि आगे से किसी भी मरीज को ऐसे असुविधा ना हो। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं बिहार के बेगूसराय जिले का निवासी हूँ, डंडारी प्रखंड के तेतरी गांव से। यह मेरा लड़का है आयांश कुमार, जिसका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। 2019 से इसका ब्लड पैसा दोनों दिल्ली एम्स में जमा है,
कार्डियो विभाग में डॉक्टर सचिन तलवार के यहाँ। 6 साल से सिर्फ डेट पे डेट दे रहा है, कभी बोलता है हॉस्पिटल में बेड नहीं खाली है, कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और आज तक इसका ऑपरेशन नहीं किया है।